Assalamualaikum and welcome back to the channel everyone. आज की वीडियो होने वाली है Xiaomi के सुपर चीप बजट स्मार्टफोन Redmi 8A पर. सो Redmi 8A प्लास्टिक बॉडी में आता है जिसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है. और स्क्रीन की बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ IPS LCD का स्क्रीन साइज है 6.2 इंचेस जिसकी रेजोल्यूशन है 720p की और पिक्सल डेंसिटी है 271 PPI की और मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल है 400 निट्स तक का जो कि iPhone 7 से भी ज़्यादा है. सो स्पेक्स से अंदाज़ा हो जाता है कि 8A की स्क्रीन प्राइस के हिसाब से टॉप ऑफ द क्लास है. यूज़र इंटरफेस यहाँ मिलता है MIUI 11 और एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 9 Pie. ब्रेन पावर की बात करें तो प्रोसेसर हमें यहाँ मिलता है स्नैपड्रैगन 439 और GPU है एड्रीनो 505. रैम मेमोरी में यहाँ तीन वेरिएंट्स हैं, 232, 332 और 4 64 GB. और इस फ़ोन की स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तान में है 16,000 रुपये. कलर ऑप्शन यहाँ तीन हैं, मिड नाइट ब्लैक, ओशन ब्लू और सनसेट रेड. सिक्योरिटी सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ हमें नहीं मिलता बल्कि फ्रंट फेसिंग कैमरा से फेस अनलॉक की ऑप्शन मौजूद है जो कि इतनी सिक्योर तो नहीं है लेकिन कुछ ना होने से होना बेहतर होता है. बैटरी पावर की बात करें तो Redmi 8A अपने साथ लाता है 5000 mAh की मैसिव बैटरी जिसको चार्ज करने के लिए USB Type-C पोर्ट मौजूद है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है. और अब बात करते हैं कैमराज की तो फ्रंट फेसिंग कैमरा हमें मिलता है 8 MP का विद एन अपर्चर ऑफ f2.0 और फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो बनाई जा सकती है 1080p तक की विद 30 FPS. फ्रंट फेसिंग कैमरे का रिजल्ट नॉर्मल है, नथिंग फैंसी अबाउट इट. और वैसे भी यहाँ कंप्लेन करना नहीं बनता इस प्राइस रेंज के हिसाब से. बात करें अगर बैक कैमरा की तो यहाँ सिंगल कैमरा मिलता है 12 MP का विद एन अपर्चर ऑफ f1.8 और वीडियो बनाई जा सकती है 1080p की विद 30 FPS. और कैमरा की ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो इसको मीडियोकर रेटिंग दी जा सकती है. वैसे भी इस प्राइस रेंज में आप नॉर्मल कैमरा क्वालिटी की ही उम्मीद रखें. बाकी जिसको एक्सपोजर और परफेक्ट लाइटिंग कंडीशंस का फ़ायदा उठाना आता है वो इस कैमरे से भी अच्छी क्वालिटी निकाल सकता है. तो स्पेक्स का रिव्यू तो हुआ ख़त्म, अब शुरू करते हैं तनकीद और तारीफ वाला सेगमेंट. तो इकलौती तनकीद Redmi 8A पर है इसका ब्लोटवेयर से भरी एप्लीकेशंस और नोटिफिकेशंस है. मतलब ये कि एक तो Xiaomi ने इस फ़ोन की रैम मैनेजमेंट 2 GB से स्टार्ट की है और जानते हुए भी कि 2 GB रैम बहुत कम है Redmi 8A को अपनी प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस और एड्स के नोटिफिकेशन से भर दिया जिससे Redmi 8A काफ़ी स्लो और स्लगिश परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली 2 GB रैम वाला वेरियंट. एक्चुअली ब्लोटवेयर एप्लीकेशन और ये मार्केटिंग वाले नोटिफिकेशन से जान भी छुड़वाई जा सकती है. एप्लीकेशन से जान छुड़वाने के लिए आप सेटिंग्स में जाएँ, फिर एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी मर्जी के एप्लीकेशन को डिसेबल कर दें. और एड्स के नोटिफिकेशन से जान छुड़वाने के लिए फ़ोन के इनिशियल सेटअप में कुछ ऑप्शंस को डिसेबल करना होगा जो मैं प्रैक्टिकली किसी वीडियो में करके दिखाऊंगा. और वैसे भी एक नॉर्मल यूज़र कभी बॉदर नहीं करेगा कि फिजूल से एड्स से उसके फ़ोन की परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़े. सो तनकीद तो यही थी और तारीफ पहली है इसकी प्राइस के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करना, क्योंकि Redmi 8A ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में सैमसंग गैलेक्सी A10 से बेहतर है और इवन उसे तकरीबन 6,000 रुपये सस्ता भी है. सो इतनी कम प्राइस में वैल्यू प्रोवाइड करने पर Xiaomi की तारीफ तो बनती है. दूसरी तारीफ है कमाल का डिस्प्ले. कमाल का इसलिए कि अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में तमाम स्मार्टफोन्स को देखें तो शायद ही कोई फ़ोन इतनी अच्छी स्क्रीन या स्पेक्स ऑफर करता है जितनी Redmi 8A ऑफर करता है. नॉर्मली इस प्राइस रेंज के फ़ोन्स को टिल्ट करने से या व्यूइंग एंगल्स उनके इतने परफेक्ट नहीं होते और टिल्ट करने से कलर शिफ्ट आ जाता है स्क्रीन में, लेकिन Redmi 8A में ऐसा कोई इशू नहीं है. तीसरी तारीफ है इसकी 5000 mAh की मॉन्स्ट्रस बैटरी. और नॉर्मल यूजेज पे Redmi 8A आपको 1.5 दिन तक की एवरेज बैटरी टाइमिंग ईजिली देगा और कम यूजेज पे 2 दिन भी निकाल जाएगा. और बैटरी के मामले में भी Redmi 8A सैमसंग गैलेक्सी A10 से कहीं बेहतर है. चौथी तारीफ है Redmi 8A का ड्यूरेबल डिज़ाइन, क्योंकि Redmi 8A की रियल फील एक सस्ते फ़ोन वाली महसूस नहीं होती. और यहाँ Xiaomi ने प्राइस टैग कम होने के बावजूद अपनी क्वालिटी पर समझौता नहीं किया और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी Redmi 8A गैलेक्सी A10 से कहीं बेहतर है, क्योंकि गैलेक्सी A10 के कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें फ़ोन ईजिली टेढ़ा हुआ है, लेकिन Redmi 8A एक बहुत पायदार मोबाइल है. सो इस रिव्यू के बाद मेरे लिए आसान है
कि Redmi 8A को इस प्राइस के हिसाब से मैं इजीली रिकमेंड कर सकूं, क्योंकि ये फ़ोन आपको पैसों के अगेंस्ट परफेक्ट वैल्यू ऑफर करता है। और यहाँ Redmi 8A का रिव्यू ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।